टीचर्स अकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही आज हमने सिलेक्टेड प्रश्न आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया हूँ। तो दोस्तों, हमने पीछे के वीडियो में कुछ प्रैक्टिस प्रश्न किए थे जो पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से ही संबंधित थे। दोस्तों, उस सेशन में हमने 1 से लेकर 40 तक प्रश्न किया था और आज इस सेशन में हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर के स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग इस सेशन को शेयर कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सीटेट का एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम विषय वस्तु की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमने कल के सेशन में 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, वो भी पूरे डिस्कशन के साथ। तो आइए अब हम 41 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन जो है आज का वो पूरे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों, यह जो प्रश्न है वह सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का कीवर्ड है सृजन करना, निर्माण करना रहता, सृजन करना रहता, खोज करना रहता, या सक्रिय जिज्ञासु रहता, या नन्हे मनोवैज्ञानिक रहता, तो हम क्या टिक करेंगे। हमने कल के वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि ये सारे जितना जो है ये जीन पियाजे का कीवर्ड है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है, 41 का ऑप्शन नंबर 1। कोहलबर्ग क्या दिए हैं, कोहलबर्ग दिए हैं हमारे नैतिक विकास का सिद्धांत, पावलोव अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत जो कुत्ता पे प्रयोग किए थे, स्किनर जो है भाषा से संबंधित है। दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। दोस्तों, इस प्रश्न का कीवर्ड देखिए क्या है कि जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, मतलब सोचना स्टार्ट करता है, किसी वस्तु के बारे में तर्क वितर्क स्टार्ट करना स्टार्ट करता है, शुरू करता है, तो यह हमारा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, क्योंकि इसका एज पीरियड होता है संवेदी प्रेरक अवस्था का 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक का 2 से 7, इसका है 7 से 11 और इसका है 11 से 18। दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका 42 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है। दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया था कि बालक के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, और दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि संज्ञानात्मक विकास को ही मानसिक विकास और बौद्धिक विकास के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, बताइए कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कौन दिए थे। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे हमारे जीन पियाजे, कोहलबर्ग दिए थे नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, तो संज्ञानात्मक विकास को ही बौद्धिक विकास या मानसिक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इस 43 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। दोस्तों, किस स्टेज में बालक जो है कि चिंतन करना प्रारंभ करता है दोस्तों अमूर्त रूप से। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन जो क्वेश्चन जो दिए हुए इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। अमूर्त संकल्पना जो है जीन पियाजे के लास्ट स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज पीरियड है 11 वर्ष से ऊपर। दोस्तों, इस 44 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 45। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। दोस्तों, वाइगोत्स्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और भाषा के बारे में जो कथन कहे हैं, तो उसमें बालक को सीखने के लिए समाज का महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताए हैं। दोस्तों, तो वाइगोत्स्की जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक। दोस्तों, अब नेक्स्ट नैतिक विकास हमारे कोहलबर्ग दिए हैं, और शारीरिक और आनुवंशिकता यानी जैविक के बारे में बोले हमारे जीन पियाजे। तो
अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग समझते हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, इसको संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक अवस्था भी कहा गया है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों हमने बताया था आप लोगों को कि संवेदी गामक अवस्था में बालक जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है, अपने ज्ञान इंद्रियों के प्रयोग करके सीखता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है अनुकरण ऑप्शन नंबर 2 में, तो इस 46 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 47, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? दोस्तों ये सभी प्रश्न सीटेट में पूछे जा चुके हैं और यह प्रश्न जनवरी 2012 में पूछा गया है दोस्तों। तो कोहलबर्ग के बारे में है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, जहां देखना है कठोर निर्देश वो ऑप्शन को काट देना, क्योंकि पेडागोजी के दृष्टि से कठोर दंड देना, ये सभी जो है तुलना करना, ये सभी निगेटिव वर्ड है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देना, इससे भी हमारे अंदर जो है समाज में विविध जो हमारा जो परंपरा है उसका उल्लंघन होगा। धार्मिक शिक्षा को जब महत्व देंगे तो इससे ये भी ऑप्शन गलत है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर जिस ऑप्शन में नियम रहे, ये भी ऑप्शन जो है बालक के विकास को रोकता है, क्योंकि इस पेडागोजी के दृष्टि से कभी भी हम बालक को बांध करके शिक्षा नहीं दे सकते, उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ करके शिक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कोहलबर्ग के अनुसार, तो कोहलबर्ग नैतिक विकास से संबंधित है दोस्तों, नैतिक मॉरल डेवलपमेंट से। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर 4 में नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके, तो इस 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 48, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? 48 नंबर क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यह सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ मतलब वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या कहा गया है, उसका क्या अर्थ है, उनके कहने का क्या मतलब है? तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, दोस्तों इन्होंने सहायता करने के लिए कहा है, सहायता नहीं करने के लिए कभी नहीं कहा है, और कठिन सवाल है ये भी ऑप्शन को निगेटिव कर रहा है। फिर है सेकेंड नंबर ऑप्शन है, कह रहा है कि बच्चे उन बच्चों की संगति में सिस्टम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सहयोगात्मक समस्या ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने ZVD जो समीपस्थ विकास का सिद्धांत दिया था इसमें भी सहयोग दिया जाता है, स्कैफोल्डिंग जो है इसमें भी सहयोग दिया जाता है, पारस्परिक शिक्षण भी उसमें भी सहयोग दिया जाता है। तो इस 48 का ऑप्शन नंबर सी यानी 3 सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 49, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके, वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करके अनेक अवसर उपलब्ध कराती है, वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण डैश करेंगे और अपने तरीके उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। दोस्तों इतना बड़ा प्रश्न जो दे दिया है वह हमें डाइवर्ट माइंड डाइवर्ट करने के लिए दिया है, बस इसका कीवर्ड देखना है, इस प्रश्न का कीवर्ड क्या है देखिए हम आपको मार्क करके बता रहे हैं। मदद करना चाहती है कि भाई अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके, अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके और विभिन्न समूह में स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है, तो यह वाइगोत्स्की के अनुसार आत्मसाथीकरण है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सीता हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है, जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। दोस्तों इसका ऑप्शन भी देखिए, इसका क्वेश्चन में भी आंसर छुपा हुआ है, क्या कह रहा है कि दाल चावल खाना सीख ली है, फिर उसे दाल चावल दिए जाते हैं वह दाल चावल मिलाकर के खाना खाने लगती है, मतलब उसके अंदर जो पुराने नॉलेज है पुराने ज्ञान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, जैसा उसका व्यवहार है वातावरण है उसके अनुसार अपने आप को ढाल ली है, तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है, अनुकूलन। और यह हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 51, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, दोस्तों देखिए जब भी वाइगोत्स्की रहेगा वहां पे यह वर्ड आपको देखने को जरूर मिलेगा और यह प्रश्न सीटेट फरवरी 2014 में पूछा जा चुका है।
दोस्तों इसका आप लोग आंसर करने का प्रयास कीजिए। सक्रिय अनुकूलन जो है हमारा पियाजे के द्वारा दिया गया है, पियाजे। फिर है सांस्कृतिक, ये भी संज्ञानात्मक विकास, ये भी पियाजे है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, तो यह कोहलर कोफ्का वर्दीमर के द्वारा जो गेस्टाल्टवादी है उनके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण है, यही एक ऑप्शन बच रहा है जो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो इस 51 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 52। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट वर्क का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? 52 नंबर का देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कोहल वर्ग के बारे में दिए हुए हैं, तो 52 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था, 52 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 53। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है? दोस्तों इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक को महत्व दिया है, भाषा को भी महत्व दिया है, और ये जो जैविक जो है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ये पियाजे दिए, तो इसी के पहलू को अपेक्षा की है वाइगोत्स्की, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 54 नंबर प्रश्न है कि एक वर्ष के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? यानी दोस्तों सेंस ऑर्गेन के माध्यम से शिशु किस स्टेज में सोचते हैं पियाजे के अनुसार? तो पियाजे का फर्स्ट स्टेज जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यह ऑप्शन नंबर सी में दिए हुए है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। रिया यानी यह एक लड़की है और ऋषभ लड़का है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह जो है सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन नंबर 4 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, आज हम आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि यह सभी प्रश्न का हमने आप लोगों का पेडागोजी पीछे के सेशन में हमने क्लियर कर दिया है। दोस्तों आप लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पीछे के वीडियो देख लीजिएगा जिससे आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और 56 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास, तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे दिए हैं, तो जीन पियाजे का कीवर्ड आप लोग खोज लीजिएगा तो आपका आंसर इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, जितना संभव हो उतना आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करके। दोस्तों परीक्षा वर्ड को हम देखते हैं काटेंगे क्योंकि ऑप्शन गलत है। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, ये भी ऑप्शन नहीं है। दोस्तों सहयोग की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके, ये भी नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है, एक समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नैतिकता की अनुपस्थिति, दोस्तों देखिए कीवर्ड प्रश्न का नैतिकता की अनुपस्थिति, मतलब इस किस चरण में किस अवस्था में किस स्तर में बालक के अंदर नैतिकता का अभाव पाया जाता है? तो यह स्तर 1 में होता है दोस्तों, 57 का सी यानी 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि प्रचलित योजनाओं में संशोधन करके नई जानकारी जोड़ना, यहाँ जो स्कीमा पुराना स्कीमा है उसी स्कीमा के आधार पर नए ज्ञान का अर्जित हो रहा है, तो यहाँ पे होगा आत्मसातकरण। तो यह जो है हमारा ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, 59। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। 59 बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, भाषा तो प्रभावित करेगा ही, परिपक्वन भी प्रभावित करेगा, क्रियाकलाप भी,
सामाजिक अनुभव भी प्रभावित करता है। लेकिन यह पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा है, तो पियाजे जो है वह सामाजिक अनुभव को नहीं मानते हैं, यह बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे ज़्यादा बल देते हैं, जैविक विशेषता पे ज़्यादा बल देते हैं। तो यही है कि इनके अनुसार सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करेगा, तो 59 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 60। दोस्तों इसके बाद मेरा और बस 17 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, मात्र 17 क्वेश्चन इसके बाद, तो हम लोग इस सेशन को जल्द से जल्द आज कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इसका हमने ऑलरेडी 3 वीडियो पीछे बना दिया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, मतलब पुष्पा जो है किसी समस्या का समाधान अकेले नहीं कर सकती है, फिर वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है, इस मार्ग को क्या कहते हैं। दोस्तों स्कैफोल्डिंग आप लोग पढ़े होंगे, हमने बताया था कि वैसा कार्य जो आप खुद नहीं करते हैं, किसी दूसरे के सहायता से कर लेते हैं, तो उसे सहारा देना, पाड़, ढांचा या स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है कि अगर आप जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं किसी दूसरे के सहायता से कर ले रहे हैं, और उसके बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा गया है। तो दोस्तों इस 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 61। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। दोस्तों 61 का बताइए आप लोग, इसका बताने का प्रयास कीजिए कि पूर्व परंपरागत यानी फर्स्ट स्टेज कोहलबर्ग का, तो इसमें दंड आज्ञाकारिता एवं अहम केंद्रिता होता है, तो अंतर्निहित संभावित दंड इस ऑप्शन नंबर 4 में दिए हुए, तो 61 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत नहीं है, मतलब इस ऑप्शन में आप लोग को खोजना है कि 3 ऑप्शन सही होगा और 1 ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन पढ़िए आप लोग, क्या है, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ने का प्रयास कीजिए कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए, ये भी ऑप्शन गलत है वाइगोत्स्की के अनुसार। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित दंड देना और नियंत्रण करना, तो ये ऑप्शन ही गलत है। बच रहा है हमारा ऑप्शन 4, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि अंतःक्रिया जो है ये सभी जीन पियाजे का ही वर्ड दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। दोस्तों देखिए, जो हमने आप लोग को पढ़ाया था वो टू द पॉइंट सितंबर 2015 में प्रश्न पूछा गया था कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी पूर्व ज्ञान के अवधारणा में बदलाव करना, तो यह समायोजन कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 64। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाने, इसे कहा गया है। दोस्तों यह प्रीवियस ईयर में कितना बार पूछा जा चुका है, और हमने आप लोगों को पीछे के में बता दिया था कि इसका स्कैफोल्डिंग होगा यानी सहयोग देना, 1 नंबर ऑप्शन 64 का 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। अगर आप लोग जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं पढ़े हैं तो पीछे के वीडियो में जाकर के पढ़ लीजिए, उसमें हमने पूरे डिटेल के साथ 4 स्टेज चर्चा कर दिया है, और यह 2 से 7 वर्ष के स्टेज को क्या कहा गया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह ऑप्शन सही है। संवेदी गति जो है हमारा 0 से 2 है, यह है हमारा 7 से 11, और यह है 11 से ऊपर, और ये जो है 2 से 7 है, तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 66। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। सक्रिय ज्ञान निर्माता कौन बोला है दोस्तों, तो जीन पियाजे बोले हैं,
जो ऑप्शन नंबर 4 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 67। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिया था कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय के मात्रा में, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिए हुए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं क्या, दोस्तों बताइए कोहलबर्ग क्या प्रस्तुत किए। ऑप्शन देखिए, संज्ञानात्मक विकास के चरण, ये तो पियाजे दिए हैं। शारीरिक विकास के चरण, भी पियाजे दिए हैं। संवेगात्मक विकास के चरण, पियाजे। नैतिक विकास, कोहलबर्ग। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 70 नंबर। बस दोस्तों इसके बाद मेरा 7 प्रश्न और बचा हुआ है। दोस्तों देखिए हम लोगों ने 30 क्वेश्चन बस 18-19 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, 70 नंबर आप लोग करने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नीचे से पढ़ते हैं। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, निगमनात्मक विचार। शेषावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाना, यह भी गलत है। औपचारिक संक्रियात्मक में अनुकरण प्रारंभ करना, कल्पना करना है, तो फर्स्ट स्टेज का है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, 71। आधारभूत सहायता, तो आधारभूत सहायता के बारे में दोस्तों 71 ऑप्शन नंबर 1 में है कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, दोस्तों तो ऑप्शन बी जो है मानसिक प्रारूप, स्कीमाज और समायोजन दिया हुआ है हमारे पियाजे के द्वारा। संतुलन भी पियाजे के द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया जो है यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, और एक है सामाजिक अन्योन्य क्रिया जो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 73 नंबर प्रश्न है। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, विशिष्ट माने अच्छा उत्तर, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो अच्छा लड़की अच्छा लड़का उन्मुखता जो है यह कोहलबर्ग का दूसरा चरण में आता है दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। इसका प्रश्न है आंसर नंबर 2 सही है, 74। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, मतलब सीखने के लिए क्या आवश्यक है, इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों जीन पियाजे का कीवर्ड क्या बताए थे, सक्रिय खोज, नन्हे मनोवैज्ञानिक, ज्ञान का निर्माण करना, तो यह ऑप्शन नंबर 4 में दिए हुए हैं सक्रिय खोज के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता दीजिएगा। दोस्तों वाइगोत्स्की जो है सहयोगी प्रोजेक्ट 75 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो दोस्तों समायोजन, समावेशन, ये सब हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था, तो 76 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस सेशन का, कह रहा है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हमने आप लोगों को एक बात बताया था कि एक ऐसा वर्ड बताया था तुलना में कि जिन प्याजे जो है कोई लड़का या लड़की स्वयं से बात करता है तो उसको एक विकार के रूप में देखे हैं, और वाइगोत्स्की उसे एक प्राइवेट स्पीच या निजी भाषा के रूप में देखे हैं। तो दोस्तों यही बात यहाँ पे, यही रूल फॉलो हो रहा है कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसके व्याख्या के रूप में बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को
नियमित करने का प्रयासों के रूप में करेंगे। तो 77 का ऑप्शन नंबर एक सही है। दोस्तों इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।